गर्मियों में जहां हर इंसान धूप से बचता हुआ नजर आता है, वहीं सर्दियों के आते ही धूप अच्छी लगने लगती है। लोग ठंड से बचने और राहत पाने के लिए धूप में बैठना काफी पसंद करते हैं। धूप सेकने से न केवल शरीर को गर्माहट मिलती है, बल्कि इससे कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं, क्योंकि ये विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने के अलावा मानसिक स्वास्थ्य समेत कई तरह से लाभ पहुंचाता है। धूप सेकने से खून साफ होता है और फंगल प्रॉब्लम्स, एक्जिमा, सोरायसिस और स्किन संबंधी दूसरी कई बीमारियां दूर होती हैं। ये ब्लड प्रेशर को कम करने में भी सहायता करता है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आज हम बात करेंगे सर्दियों में धूप सेकने के लाभ के बारे में। हालांकि आपको बता दें कि दिन के समय तेज धूप में रहना आपकी त्वचा, बालों और संपूर्ण स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन सुबह की सूरज की पहली किरण कई तरह से सेहत को लाभ पहुंचाती है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय हर किसी को 20 से 30 मिनट के लिए धूप में बैठना चाहिए। आइए जानते हैं ठंड की धूप में बैठने से सेहत को क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले फायदे की बात करेंगे तो धूप से हमें विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को पूरा करती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए सर्दियों की धूप में बैठना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस समय शरीर को सूरज की किरणों से ज्यादा विटामिन डी मिलता है। रोग प्रतिरोधक की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में ये विकास होता है। ठंड के दिनों में धूप सेकना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। जिन लोगों में ठंड के दिनों में जुखाम, बुखार जैसी समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, उन्हें धूप में बैठने की सलाह अक्सर दी जाती है। जी हाँ, अगले फायदे की बात करेंगे तो धूप सेकने से त्वचा संबंधी कई रोग दूर हो जाते हैं। धूप सेकने से कैंसर का खतरा भी कम होता है। धूप सेकने से पाचन ठीक होता है। इसके अलावा ऑटोइम्यून बीमारी का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। ये धूप सिर्फ आपकी बाहरी शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर के अंदर भी काफी लाभ पहुंचाती है। अच्छी नींद के लिए भी धूप जरूरी होती है। 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, वहीं अच्छी नींद के लिए भी धूप सेकना काफी जरूरी माना जाता है। इससे शरीर में मेलाटोनिन हॉर्मोन्स पैदा होते हैं, जिससे सुकून भरी नींद आती है, और जब आपकी नींद पूरी हो जाती है तो आप तनाव मुक्त भी होते हैं। इसके अलावा हैप्पी हॉर्मोन्स एक्टिव होता है। ठंड के दिनों में धूप में बैठने से एक अलग ही खुशी मिलती है। इससे शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स सेरोटोनिन का लेवल काफी हद तक बढ़ता है। ये हॉर्मोन डिप्रेशन को कम करने के साथ ही आपको खुश रखने में मदद करता है। धूप सेकने से न केवल शरीर को बाहर से फायदे मिलते हैं, बल्कि शरीर के अंदर पनप रहे ऐसी कई बीमारियों को ठीक करने का भी ये काम करता है। जी हाँ, बीमारियों को ठीक कर शरीर को स्वस्थ रखता है। धूप से कई बीमारियाँ अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जी हाँ, आपको बता दें कि सूर्य स्नान करने वालों की बॉडी में अग्नि तत्व बैलेंस रहता है। सूर्य स्नान बॉडी में अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। सुबह 9 से 10 बजे के बीच का सूर्य का प्रकाश रोगी को दिया जाता है। रोगों के हिसाब से रोगी को अलग अलग रंग की पॉलिथीन लपेट कर धूप में लिटाया जाता है, या फिर कांच के एक बॉक्स से ये धूप रोगी तक पहुंचती है। जिनके शरीर में सूजन आती है, उनको छोड़कर बाकी सभी तरह के रोगों में सूर्य स्नान कराया जा सकता है। उन्हें भी ऑरेंज कलर की पॉलिथीन लपेट कर सूर्य स्नान कराया जा सकता है। ये अर्थराइटिस और गठिया में फायदा करता है, और सिर्फ सर्दियों में ही नहीं, धूप से होने वाले लाभ साल के 12 महीने लिए जा सकते हैं। गर्मियों में सुबह 8 बजे से 11 बजे और सर्दियों में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक 30 से 35 मिनट के लिए धूप में रहने से काफी फायदा होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर सही तरीके से धूप ली जाए तो ये शरीर को काफी फायदा पहुंचाता है। जब आप 10 से 20 मिनट तक सुबह की पहली धूप में बैठते हैं तो इससे विटामिन डी शरीर में बनता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इस वजह से स्किन पर ग्लो भी बना रहता है। धूप सेकने के लाभ तो अनगिनत हैं, ये लाभ तो हमने आपको कुछ ही बताए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सीरीज भारत।